subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी. ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इसे किसी भी समय पर बनाया जा सकता है. घर पर मेहमान आए हों या व्रत हो, हम आलू की सब्जी ही प्रेफर करते हैं. यहाँ तक बच्चे भी सबसे ज़्यादा आलू की सब्जी पसंद करते हैं. घर पर कोई सब्जी हो ना हो, आलू तो होता ही है. तो कोई भी सब्जी ना रहे तो हम झटपट आलू की सब्जी बना लेते हैं. तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी. यहाँ मैं ले रही हूँ 3 आलू जिसे मैंने बॉयल करके छील लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 कप धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है. खड़ा मसाला में हम ले रहे हैं 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, फ्राई करने के लिए ऑयल. तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे. धनिया ले लेंगे, जीरा ले लेंगे, जीरा मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ तड़के के लिए, सौंफ ले लेंगे, इसे लो फ्लेम पर इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे. हल्का सा ही रोस्ट करना है. ये देखिए हमारा स्पाइस रोस्ट हो चुका है. आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसके भुन जाने की खुशबू आने लगी है. हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा. गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे खलबट्टे पर दरदरा पीस लेंगे. हमने जो खड़े मसाले भुने हैं उसे हम इस तरीके से खलबट्टे में दरदरा पीस लेंगे. ध्यान रहे जब ये हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसे पीस लेंगे, जिससे ये जल्दी पीस जाता है. खड़े मसाला को हल्का सा भूनने के बाद हम तरीके से इसे पीसते हैं तो इसका अलग ही फ्लेवर आता है. हमें इसे दरदरा पीसना है इसलिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर पर ग्राइंड नहीं कर रहे हैं. हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है जो कि खलबट्टे में बहुत अच्छे से होता है. ये देखिए हमारा स्पाइस दरदरा पीस चुका है. चलिए इसे बॉल पर निकाल लेते हैं. अब हम इस भुने हुए मसाले के साथ अपने स्पाइस पाउडर भी मिक्स कर देते हैं. हल्दी ले लेंगे, मिर्च पाउडर ले लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक ग्रेवी बना लेंगे, क्योंकि जब हम सब्जी में मसाले डालेंगे तो अगर हम खड़े मसाले डालेंगे तो ये जल जाएगा. इस तरीके से ग्रेवी बनाकर डालेंगे तो हमारे मसाले जलेंगे नहीं. चलिए अब सब्जी को फ्राई कर लेते हैं. हमारा पैन गर्म हो गया है, ऑयल ले लेंगे, के में जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, वैसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे. हमने जो मसाले की ग्रेवी बनाकर रखी है उसे डालकर भून लेंगे. हल्का सा इसे भून लें. हमारा खड़ा मसाला तो हमने भून लिया है पर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर है जिसे हमें ऑयल में भूनना है, जिससे हमारा स्पाइस कच्चा ना लगे. अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देते हैं और इसे भी स्पाइस के साथ रोस्ट कर लेंगे. ये देखिए हमारा स्पाइस रोस्ट हो चुका है. आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है और हमारे मसाले ऑयल छोड़ने लगे हैं. जब मसाले इस तरीके से ऑयल छोड़ने लगे इसका मतलब मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है. हमने यहाँ खड़े मसाले रोस्ट करके डाले हैं, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. चलिए अब हम इसमें बॉयल्ड आलू डाल देते हैं. हम अपने आलू को इस तरीके से मैश करके डालेंगे. मसालों के साथ मिक्स कर लें. अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं ताकि हमारे आलू की एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए. देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का. ध्यान रखिएगा कि हमें मसाले बहुत अच्छे तरीके से भूनना है.
तभी हमारी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम आलू में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब आलू को 5 मिनट ढककर इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, जिससे हमारे आलू स्पाइस के साथ अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारी आलू की सब्जी तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, और हमने जो खड़े मसाले भून कर डाले हैं उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से खड़े मसालों को भून कर डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, चलिए इसे सर्विंग बॉल पर निकाल लेंगे। लीजिए हमारी आलू की चटपटी सब्जी तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।